मेरा साले साहब है यार, घूमने के लिए भी जा रहे हैं और मतलब एक पेशेंट है। हाँ, जो एक्सीडेंट हो गया। जाजी जितना मेहनत करता है ना, इसका शीशा फूटा हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं जो कि एक शीशा कितना मेहनत करते हैं हम इतने कहेंगे थोड़ा जी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ मस्त होंगे जो कि अभी बोलते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए हम लोग जो है निकल रहे हैं कहीं घूमने के लिए, है ना, घूमने के लिए भी जा रहे हैं और मतलब एक पेशेंट है जो कि एक्सीडेंट हो गया था। आगे क्या कहते हैं, आगे वाला गाड़ी में है सो दिखाएंगे। दो ठो गाड़ी है, एक ठो पे हम लोग है और इधर आदमी सब है और बैक कैमरा करके दिखाते हैं। ब्लैक कार में है दोस्तों, वही ब्लैक कार में है पेशेंट, जा रहे हैं पूर्णिया और वहाँ पे दिखाएंगे आपको। सो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, देखिए अभी जो हम पहुँच चुके हैं पूर्णिया और दोस्तों क्या बताएंगे आपको, पेशेंट को तो उधर उतार दिए थे और वो चले गए हैं मतलब हॉस्पिटल। और अभी जो है विकास भैया आए थे अपना कार को सर्विस कराने के लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे। और जो है दोस्तों क्योंकि दोस्तों हम लोग मतलब आए थे सर्विसिंग कराने के लिए और पता नहीं था कि इसका शीशा फूटा हुआ, और शादी में गए थे विकास भैया तो देख सकते हैं वहाँ पे इनका गाड़ी को कोई मतलब या ईटा से या कुछ से पत्थर से मार दिया और शीशा फोड़ दिया। धूल मिट्टी था मतलब पता नहीं चल रहा था, सो जैसे वाइपर मारा ना फिर पता चला कि इसका शीशा फूटा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि एक शीशा कितना महंगा है, कोई कार का शीशा है, नए गाड़ी का शीशा फोड़ दिया लेकिन अच्छा नहीं किया। तो आप लोग दिखाते हैं शीशा दोस्तों, यहाँ पे मारा था, यहाँ से थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, देखिए इधर यहाँ तक चिरक गया है, बाकी और आगे जो है स्क्रैच बढ़ते जाएगा जो कि विकास भैया बहुत परेशान है वहाँ पे है, देख सकते हैं उधर। कोई भी अगर गाड़ी लेता है तो कितना मेहनत होता है, मेहनत से लेता है ना, कोई किसी को भी दुश्मनी हो तो भाई अपने आप सामने से बोल सामने से मार लो, आप किसी का गाड़ी नुकसान कीजिए कितना असर होता है आप जानते हैं। और एक आदमी छोटा सा अगर बाइक लेता है या छोटा सा साइकिल कुछ भी लेता है सब बहुत मेहनत करके लेता है। अगर गाड़ी लिया आज ऐसे कर दिया, अच्छा नहीं हुआ, नहीं करना चाहिए ऐसे। तो अभी आपको जो है विकास भैया से मिलाते हैं। विकास भैया क्या बोलेंगे जो शीशा पे मारा है? वो मेरा साले साहब है यार, मार सकते हैं हम इतने कहेंगे, थोड़ा जीजा जी जितना मेहनत करता है ना, जितना मेहनत करता है उतना तू करके देखो, साला दिन दिन रात रात भर साला भूखे प्यासे मेहनत करता है तब गाड़ी में घूमता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर किसी को लड़ाई था जलन से कुछ भी था तो सामने में बोलता और मुँह से बोलता, किसी को बुरा नहीं लग सकता यार, किसी से मेरा क्या दुश्मनी है यार। बाकी दोस्तों जो भी किया है सो गलत किया है, ठीक है। तो आप लोग बने रहे दोस्तों, अभी गाड़ी को जो सर्विसिंग में देंगे और अभी निकलेंगे हम लोग। दोस्तों देखिए अभी विकास भैया गाड़ी रख दिए हैं अथी में, शोरूम में रख दिए हैं सर्विसिंग के लिए। तो अभी हम लोग वहाँ से आ गए हैं, जा रहे हैं कहाँ? होटल चंपा होटल जा रहे हैं, खाना खाने जब भी आते हैं यही खाते हम लोग। हाँ, एकदम मीट मटन चिकन जो भी हो यार बहुत अच्छा खिलाता है, यहाँ बहुत अच्छा मिलता है ना। तो दोस्तों आप लोग बने रहे और दिखा दी, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे जो है बस आ रही है, इसीलिए विकास ये सब चले गए हैं, अभी हम लोग जाएंगे, रुक जा हर बार नहीं करना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम और ये फंस गया है इधर। दोस्तों देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर में है होटल, तो देख सकते हैं होटल के अंदर घुस गए हैं, किस जगह गए हैं, हाँ इधर। तो देखिए यहाँ पे विकास भैया सब है और अभी हम लोग हाथ धोने लगे हैं, हाथ धो के बस खाने वाले हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, बाकी जो है खाना अभी आया नहीं है, देख सकते हैं विकास भैया और यहाँ पे भैया है। ऑर्डर दिए हुआ है लेकिन आया नहीं है, बट फिलहाल 10 मिनट के अंदर आ जाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों खाना आ चुका है और विकास भैया सब खाना में क्या खा रहे हैं देख सकते हैं, मटन खा रहे हैं, फिलहाल हम साधारण ही खाना खाते हैं दोस्तों। इधर ये भी मटन खा रहे हैं, शुरू कर दिया साधारण खाना खा रहे हैं, खाते नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है खाना खाने लगे हैं, तो आप लोग बने रहिएगा और दिखाएंगे, आज हम लोग घूमने वाले हैं पूर्णिया में बहुत ज़्यादा, तो आप लोग बने रहे। दोस्तों अभी हम लोग खाना वाना खा के और यहाँ पे देखिए विकास भैया बिल दे रहे हैं 280। तो अभी हम लोग खाना खा लिए हैं, बस यहाँ से निकल रहे हैं होटल से, तो आप लोग बने रहिए और आगे आगे देखिए। हम लोग होटल से बाहर निकल चुके हैं और गाड़ी के पास आ गए हैं,
और अभी हम लोग जो है अंदर बैठ रहे हैं, अंदर बैठ गए हैं और सोनू भी आ रहा है बैठने के लिए। गर्मी बहुत लग रहा है ना, बहुत गर्मी आज, इतना गर्मी है दोस्तों जो कि ऐसी काम नहीं कर रहा गाड़ी का, ऐसी इसका हिसाब करवाना पड़ेगा। या तो अभी बिजी है इधर मोबाइल में, नहीं नहीं यार, तो आप लोग बने रहिए दोस्तों। अभी हम लोग जो है घर पहुंचने वाले हैं, सो वीडियो को यही लास्ट करते हैं क्योंकि अब गर्मी बहुत है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को एसी भी जो है हल्का स्लो काम कर रहा है, फिल्टर साफ करवाना है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।